हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा साउथ किचन। आज हम बची हुई सब्जी से नाश्ता बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरे घर पे ये कोफ्ते की सब्जी बच गई थी, लौकी का कोफ्ता है। मैंने सोचा कि आपको ये रेसिपी शेयर कर दूं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बहुत ज्यादा। चलिए, सब्जी को हम रख देते हैं साइड में और हमने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल ले लिया, इसमें हम सब्जी को डाल देते हैं। सब्जी को मैश कर लेते हैं। मैं कोफ्ते की सब्जी से नाश्ता बनाकर दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आपके पास और भी कोई सब्जी हो तो आप उससे भी ये नाश्ता बना सकते हो। तो लीजिए, हमने सब्जी को मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ हम सब्जियां डाल देते हैं, इससे नाश्ता बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को क्रश करके लिया है और कद्दू, प्याज, टमाटर, चारों चीजों को हमने क्रश करके लिया है। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन काटने से क्या होता है, जो नाश्ता हम बनाएंगे तो वो मोटा बनेगा, तो ज्यादा टेस्टी नहीं होगा। आप इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा पतला ही हमारा नाश्ता बनेगा। जो मैं आपको दिखाऊंगी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए, सारी सामग्री को हमने इसमें डाल दिया है, यानी सारी सब्जियों को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम हरा धनिया और मैंने यहाँ पे लाल मिर्च बारीक कटी हुई है, आप इसकी जगह पे हरी मिर्च भी ले सकते हो और तीखा आप अपने अनुसार से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब 5 से 6 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया, इसको भी डाल देते हैं। 1 चम्मच अदरक क्रश करके, इससे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हींग 1/4 चम्मच, हींग आप जरूर डालें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता बनेगा। नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि सब्जी में भी नमक है। जीरे 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, इससे नाश्ते में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम कोई भी मसाले नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सब्जी में सारे मसाले होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर बनाएं। पानी एक साथ में बिल्कुल मत डालिए, अगर आप एक साथ में पानी डाल देते हो तो कभी कभी पे बैटर गीला हो जाता है, इसलिए आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। कभी कभी पे हम सोचने लगते हैं कि हमारी सब्जी बच गई है तो हम इसका क्या करें, तो इस तरह से आप नाश्ता ट्राई करिए, बहुत ही ज्यादा सभी को पसंद आएगा। आप बच्चे या बड़ों को किसी को भी देंगे तो सभी आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे और सोचेंगे कि आपने इस नाश्ते को कैसे बनाया। फ्रेंड, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की नई नई रेसिपी जानने के लिए, तो लीजिए यहाँ पे हमारी सारी सामग्री यानी बेसन, वेजिटेबल सारे मिल चुके हैं, लेकिन मुझे अभी बैटर सही नहीं लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच बेसन और लिया। बेसन को आप हमेशा छान कर ही ले, मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। तो लीजिए, हमारा बैटर तो बनकर कम्प्लीट हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ना तो ये गाढ़ा है और ना ही पतला है, आपको इस तरह से बैटर को कंप्लीट करना है। तो चलिए, गैस पर तवा रख लेते हैं। मैंने नॉन स्टिक लिया है, आप चाहे तो लोहे के तवे में भी ये नाश्ता बना सकते हैं। अब थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल देते हैं, 1 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। थोड़ा सा तेल को फैला देते हैं, ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बन जाता है। अब हम बैटर डाल देते हैं जो हमने बनाकर रखा है, 1 चम्मच हमने डाल दिया है। थोड़ा हम और ले लेते हैं, आप अपने अनुसार से छोटा बड़ा नाश्ता बना सकते हो, यानी चीला। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो लीजिए, हमने नाश्ते को फैला दिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर से टेढ़ा है तो इसको हम एक सा कर देते हैं स्पैचुला की मदद से। अब थोड़ा सा सरसों का तेल फिर से डाल देते हैं, 1 चम्मच के करीब। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, अगर हाई गैस पर आप नाश्ते को बनाएंगे तो नीचे से जल जाएगा। नाश्ता नीचे से हल्का हल्का सा सिक चुका है, ये ऊपर से आपको दिख रहा होगा ड्राई हो गया है नाश्ता। थोड़ा सा किनारे से छुटा लेते हैं और इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा टेस्टी हमारा नाश्ता है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि सब्जी से इतना ज्यादा टेस्टी नाश्ता बन सकता है। थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं जिससे अच्छे से नाश्ता दब जाए और अच्छे से पक जाए। दूसरी तरफ से भी नाश्ता हमारा सीख चुका है, मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत टेस्टी हमारा नाश्ता बना है।
तो इसी तरह से उलट पलट करके सारे नाश्ते को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको एक ही बनाकर दिखाया है, इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सभी नाश्ते को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बची हुई सब्जी से बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये नाश्ता बहुत ज्यादा टेस्टी है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। कभी भी आपके घर पर कोई भी सब्जी बच जाए तो बनाकर सभी को दे दीजिए, तो सभी चट कर जाएंगे। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह की नई रेसिपी के साथ।